जो बात आपके हाथ के चिकन कढ़ाई में ना, वो किसी और के हाथ के चिकन कढ़ाई में बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे बाप है, ये लो दादी की जान, दादी के हाथ से खाओ, मजे का है ना। मियां पोते साहब, दादी से कहो, दादा को भी पूछ ले। अरे भाई ये ले, ये लीजिए, बिस्मिल्लाह, ये ले। अम्मी ने सबको अपना इतना आदी बना दिया कि इनके बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अम्मी की मोहब्बत है, क्या कर सकते हैं। आप दोनों को एक बात बताना थी मुझे। हाँ, मैं तो अम्मी अब्बू के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। कहीं जा रहे हो तुम लोग? एक्चुअली अम्मी, ऑफिस की तरफ से मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं। इस्लामाबाद ट्रांसफर हो रहा है मेरा। प्रमोशन हुई है ना मेरी। मैं तो अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं जा रही। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं और काशिफ यहीं पर रहेंगे। मैं अकेले कैसे रहूंगा वहाँ? देखो ना, ऑफिस की तरफ से एक छोटा सा दो कमरों का अपार्टमेंट मिला है। अगर बड़ा होता तो अम्मी अब्बू को भी साथ ही ले जाते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हमारी वजह से अपना हर्ज ना करो। और बच्चे का साथ है, इतनी महंगाई हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अम्मी, यही सोचकर हमारा दिल परेशान, हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा कि आप दोनों को छोड़ के जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जाए तो। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नौकरी वगैरह छोड़ो, अपना कारोबार करो कोई। अरे कोई बात नहीं, अभी तो वक्त होगा ना जाने में। अम्मी टाइम ही तो नहीं है, इनके बॉस ने तो परसों की टिकट भी बुक करा दी है। परसों? इतनी जल्दी? चलो बेटा, खुश रहो तुम लोग। आलिया, ज्यादा वक्त नहीं है, तो आज सारी इंपॉर्टेंट चीजों की पैकिंग कर लेना। ओके, ठीक है, याद से। बाकी सामान तो हम बाद में भी ले सकते हैं। कमाल, 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 मैं कह रही थी वो किचन में मुर्गी रखी है ना फ्रिज में,